नेक्स्ट क्वेश्चन इट अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट फाइव आई कैप माइनस पॉइंट एट जे कैप प्लस सी टाइम्स के कैप देन द वैल्यू ऑफ सी विल भी ये जो वैक्टर है ये यूनिट वैक्टर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है सो लेट्स कॉल दिस वैक्टर ए वैक्टर ए वैक्टर और ये अपने को दिया हुआ है पॉइंट फाइव आई कैप माइनस जीरो पॉइंट एट जे कैप प्लस सब सी टाइम्स के कैप है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो इक्वल टू वन है बिकॉज ये यूनिट वैक्टर दिया हुआ है ना इस वैक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इसको मैग्नीट्यूट uh, हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट एट का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन अगर दोनों तरफ तो हम स्क्वायर कर दें सो वी विल गेट सो सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर माइनस जीरो पॉइंट एट का स्क्वायर तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ जाएगी 0.5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे so सो दैट विल बी 0.25, पॉइंट टू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो सो बेस्ड ऑन दिस हम कह है सकते हैं अगर हम वन में से पॉइंट 0.25 माइनस करें सो दिस विल बी इक्वल टू नाइन सो वन माइनस 0.89 पॉइंट एट नाइन विच विल बी जीरो पॉइंट वन वन सो सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ जीरो पॉइंट वन वन सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट चॉइस